बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नमान और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अडल्था सूट में। और आज हम एक बहुत ही लजीज रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग ये बहुत ही यूज किया करते थे, बट आजकल इसका यूज बहुत ही कम हो चुका है। और ये है कचनार। कचनार का टेस्ट आपको चिकन जैसा देता है और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है आपके खून को साफ रखने के लिए और दमे के मरीजों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और आइए हम किस तरह बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें यूज करेंगे आपको वो बता दें। सबसे पहले हमने इसमें ले लिया है कचनार हाफ के जी और साथ ही साथ हमने इसमें ले लिया है हाफ के जी के करीब चिकन, 3 नॉर्मल साइज के प्याज हमने लिए हैं और 4 से 5 अदद हरी मिर्च और 3 अदद टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट। नॉर्मल हांडी से ज़्यादा इसमें अदरक लहसुन और टमाटर यूज़ किए जाते हैं। टमाटर की जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। और मसाले में हमने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और गर्म मसाला लिया है। कर ली है और अब हम बर्तन चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। और प्याज को सुनहरा करने के लिए सबसे पहले हम हाफ कप जो हमने आयल लिया था वो डाल देंगे। प्याज ऐड कर लेते हैं इसमें। प्याज को सुनहरा करने होने तक भून लें। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी पका लेंगे। अदरक लहसुन भी हमारा भून चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। गरम मसाला हम लास्ट पे ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। और मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। दो से तीन दफा इसे हल्का हल्का पानी लगा के पकाते रहें और लास्ट में पानी ऐड करके साथ ही इसमें गरम मसाला ऐड कर दें और इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा दें। कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारा सालन रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार पक चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी हमारी बहुत ही पसंद आएगी और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह।